जैसा कि आपने देखा पिछली वाली वीडियो में, हाँ, बंगा के मुठ्ठा जा रहे थे, हाँ, जा रहे उसी प्रकार से, हाँ, कोरिया की कोरिया सरक रही है पुलियों की। अच्छा, आए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रोकथाम नहीं है। चलो अभी चल रहे हैं, सूखा आ रहा है। अच्छा, और सूखे को फिर मुरमुरा समझ रही है भाई, सूखे को तो हल्ला बोल रखा है। हल्ला क्या कर दिया भैया, ये देखो भैया, और बेलन देख लो भाई, बेलन ये देखो कहाँ चलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरपीएम तोड़े फौरन है बेटे, ये देखो भाई रुतबे टांग रखे हैं रुतबे, ये देखो भाई लेबर वाले भी कैड़ा करता काट रहे हैं, और उसकी क्वालिटी देख लो भैया। नमस्कार दोस्तों, किसान मित्र रिंकू यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। तो भाई जो मेरे भाई ये कह रहे हैं भाई कि स्वराज 855 एफ ई की परफॉर्मेंस दिखाओ भाई गेहूँ पे, क्योंकि इससे पहले हमने सरसों पे वीडियो बनाई इस कटर मशीन की, तो भाई आज गेहूँ पे भी चलता दिखाऊंगा। क्योंकि कुछ भाइयों का कहना ये था कमेंट में कि गेहूँ पे हम बंद कर देंगे ट्रैक्टर को, तो भाई आज देखेंगे पूरा फुल मुट्ठा लगवा के कि बंद होवे है कि ना होवे या कितनी आर पी एम तोड़े है। और भाई मशीन जो है इनके पास है न्यू पंजाब एग्रो इंजीनियर वर्क्स वालों की, नौगावा वालों की, तो भाई इसकी भी तगड़ी वाली परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सामने अजय भाई हैं और इनकी पूरी टीम खड़ी है आज भाई, तगड़े वाला परफॉर्मेंस, तगड़े वाला दम दिखाएंगे। इधर शास्त्री भाई हैं अपने, हाँ भाई क्या हाल है? नमस्कार नमस्कार जी। तो भाई मशीन की बताओ कैसी चल रही है? जैसा कि आपने देखा पिछली वाली वीडियो में, हाँ, बंगा के मुठ्ठा जा रहे थे, हाँ जा रहे, उसी प्रकार से, हाँ, कोरिया की कोरिया सरक रही है पुलियों की। अच्छा, आए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रोकथाम नहीं है, कुछ भी ना? नहीं जी, बाबू भाई हमारे, हाँ, किसान हैं, अच्छा, इन्होंने बात कर सकते हो भाई, ये बाबू भाई हैं और इन्होंने इनसे जैसे मेरी बात हुई पहले, ये स्पेशल बुला के लाए इस मशीन, स्पेशल बुला के लाए, क्यों लाए? इन्होंने बात करी है, इन्होंने ये गेहूँ की हमारे लाए थे, गेहूँ अच्छा निकाल रही है हमारी मशीन। अच्छा, अरे अच्छा ही निकाल रही है, अभी तक बढ़िया निकाल रही है, साफ सफाई जबरदस्त सफाई भाई, सफाई दिखाऊं एक बार बाबू भाई, हाथ में लेके दिखाओ एक बार गेहूँ को, ये लीजिएगा साहब, क्योंकि इन्होंने जो निकलवाई है साफ सफाई के लिए निकलवाई है, गांठा तो दे ही ना रही है जी। नहीं जी, तो बाबू भाई भी बहुत खुश हैं, इनका लगभग 50 बीघे का खेत है यहाँ, 4 ट्रैक्टर फेल करके भेज दिए इन्होंने जी, और 5वां ट्रैक्टर बुलाया के भाई अजय भाई के ट्रैक्टर से निकलवाएंगे गेहूँ। और एक बात और, हाँ, दूसरे इलाके में गेहूँ आके निकाले हमने बाबू भाई के, और ट्रैक्टर वाले हमारे सामने आए ही नहीं, आए ना भाई, दूसरे इलाके में निकाल ले, और गेहूँ देख लो भाई पूरा अड़ंग लग रहा है, कई खेत निकाल दिए इन्होंने इनके, और ताजी कटा हुआ भी, हाँ, निकाल देते हैं, निकाल दे, तुरंत काटो तुरंत लगाओ। अच्छा, कोई तकलीफ? अच्छा, मशीन की बताओ, मशीन कैसा काम कर रही है? मशीन एक जैसे हमने सरसों पे दिखाई तो सरसों पे तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, ऐसा ही इस पे कर रही है जबरदस्त जबरदस्त, कोई दिक्कत तो ना आई अभी तक? कोई दिक्कत नहीं आई जी, ढाई धा मुठा जा रहा है, ढाई धा। अच्छा, कसम है तुम्हें जवानी के जोश की, अगर मुठ्ठा केड़ाई न लगाओ आज, बेफिक्र रहो भाई, पूरी कसम दे दी कि मुठ्ठा केड़ा ही लगेगा, और मशीन देख लो नई की नई पड़ी है, 3 फैन वाली, फनर बदलो चलाओ वैसे, और भाई ये है न्यू पंजाब एग्रो वर्क्स वालों की, तो मशीन से खुश हो जाए भाई, बिल्कुल जबरदस्त काम कर रही है, जबरदस्त। तो गांव वाले क्या कह रहे हैं फिर, मशीन तो और भी होंगी गाँव में? अच्छा, हो सुड़ रहे हैं गाँव वालों के, रात तो चल रही है जी, मतलब आधी मार्केट खत्म कर दी तुमने भाई, आधी मार्केट खत्म कर दी, 3 बजे तक चला मैं। अच्छा जी। अच्छा, रात को ज्यादातर कटर वाले क्या बात है कि उसकी वजह से बंद कर दें? हम बंद ना कर दे, बंद ना कर दे, अच्छी चले ये। अच्छा, इतनी बढ़िया चले जी, हाँ चलो अभी चल रहे, सूखा आ रहा है। अच्छा, और सूखे को फिर, सूखे को तो ये मुरमुरा समझ रही है भाई, सूखे को तो गीला भी दे दो कोई दिक्कत ना, कल परसों कटा हुआ है। हाँ, निकासी क्या माने जी? निकासी इसकी 1 मिनट में 2.5 बाल्टी भर रही है, 3 भर दे समथिंग, 3 बाल्टी भर दे, कितने किलो की है? 20 किलो की बाल्टी, 20 किलो तोल सकते हैं, तो 90 मन की हो गई जी। हाँ जी भाई, 90 मन की निकासी कर रही है, 90-80 मन तो बहुत हो जा है, गीले पे थोड़ा कम कर दे वैसे। हाँ, गीले पे देखो, गीले पे थोड़ा कम कर दो। ट्रैक्टर की और बताओ कितनी आरपीएम तोड़ रहा, कितना लोड ले रहा? 16 पे चले है, तो 15 बाग रुक है, वही चलता रहे चलता रहे, तो ज्यादा लोड वोड भी ना है, लोड फ्री, गीले नाक पे दब जाएगा कभी कभी। हाँ, गीले पे दब जाएगा, लेकिन सूखे पे तो कह देगा पेल दो जितनी पेली है, तो इन दोनों पे पूर्ति की ना होती है। हाँ, तो भाई ये तो सब बात हो गई, अब चलता दिखाऊंगा, तो तुम भैया रेडी हो जाओ और चलाओ। और भाई मुठ्ठा ऐसा लगना चाहिए, हल्ला बोल वाला, दाई देसी जान दो, हाँ भाई हटो बच्चो,
धुआंधार वाला मुट्ठा लगवाऊंगा आज, और ट्रैक्टर लगभग 1500-1600 आरपीएम पे चलवाएंगे, और भैया आरपीएम ड्रॉप टेस्ट भी कराऊंगा अभी। भाई खेत वाले भी खुश, मालिक भी खुश और लेबर भी खुश, इतनी जबरदस्त मशीन है और भाई चल ही रहा है इस पर, ये देख लो 855 है भाई, इसका तो कोई जोड़ है ही ना, लाजवाब। तो भाई मुट्ठा लगता देख लियो, ये देख लो भाई, करते काट रखे करते, ये देखो भाई हल्ला बोल लखा, हल्ला बिल्कुल भाई, हल्ला बोल लखा है हल्ला, अब क्या कर दिया भैया, यो ये देखो भैया भाई जबरदस्त, और निकासी देख लो भाई, निकासी ठोकम साग कर रहे हैं, अरे पूरी तो चली जाने दो भाई, कैडी ठोकम साग है, और अब साफ सफाई और दिखा दो, ये देखो भैया भाई तगड़ा मान रहा है, ये देखो देख लो भैया भाई, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, जो मेरे भाई भ्रम में थे कि तगड़ा मुट्ठा ना लेगी या फिर भाई गेहूं पे गड़बड़ करेगी मशीन, तो भाई देख लो, और बेलन देख लो भाई, बेलन ये देखो कहां चलेगा, ये देखो मैं आरपीएम और दिखाऊं एक बार आपको, ट्रैक्टर कितनी आरपीएम पे चल रहा भाई, आवाज पे गौर करियो, कहीं दम तो नारा खुद तो नारा भाई, वीडियो यूं ही बना रहा हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आरपीएम तोड़े फौरन है पेट, ये देखो भाई कैरा मुट्ठा लग रहा, 1600 आरपीएम पे चलाया तो 1600 पे टिका पड़ा बिल्कुल, ये देखो भाई शेर है शेर, कहीं से कहीं तक भी, और मशीन भी ऐसी ले आया जाए भाई क्या रुतबे टांग रखे हैं रुतबे, ये देखो भाई लेबर वाले भी कैड़ा करता काट रहे हैं, और उसकी क्वालिटी देख लो भैया जबरदस्त, ये देखो भैया मशीन भी हमें काफी शानदार लगी, और इसके बारे में हम और भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जहाँ कुछ भाई पूछ रहे हैं इनका कारखाना कहाँ है कैसे है, तो उसके बारे में भी आपको वीडियो के अंदर ही जानकारी देंगे, जबरदस्त मशीन लगी। अच्छा अजय भाई मशीन से खुश हो पूरी तरीका से, बढ़िया, अच्छा अभी तो चल जाएगी, और बढ़िया बहुत अच्छा है, तेल का एवरेज भी बढ़िया, क्या माने घंटे पे 40 लीटर में एक घंटे निकासी कर दे तगड़े वाली, हमें 45-50 बाल्टी दे दे निकाल दे, अच्छा 50 बाल्टी निकाल दे, हाँ 60 लीटर तेल में 50 बाल्टी कमा दे, बढ़िया अच्छा कमा दे, क्या रेट चल रहा है यहाँ पे, चल रहा 1500 से लेके, हाँ 1500-1700-1800, हाँ जैसा जुगाड़ लग जाए वैसा ही निकाल दे, हाँ कमाई का तगड़ा सौदा है, और ना ज़्यादा महंगी है तो मैं बता दूँ, ये 270,000-275,000 के आसपास आ जा है, है? मशीन सीजन में फ्री कर ली भाई, मशीन कर ली फ्री सीजन में भाई, इसमें एक चीज़ और बताऊँ, कुछ भाई कह रहे होंगे कि एलिवेटर ना है, तो एलिवेटर भी लगा आप, अगर किसी भाई को चाहिए एलिवेटर ट्रॉली में भरने के लिए तो वो भी ले सके, उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े हैं, और गेहूँ की क्वालिटी जबरदस्त, किसान भी खुश, बढ़िया भाई साहब, ये देखो भाई किसान भी खुश, ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए भाई वीडियो यही समाप्त करना चाहूँगा, वीडियो में आपने परफॉर्मेंस देखी मशीन की भी ट्रैक्टर की भी, स्वराज 855 FE, क्योंकि भाई फिर एक बार बताऊँ, कुछ भाई कह रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश लेके आओ या राजस्थान लेके आओ, हम 855 FE को बंद करके दिखाएंगे,
तो भाई देख लो शेर की दहाड़, सुन लो आरपीएम ड्रॉप टेस्ट भी मैंने दिखाया। मशीन में जितनी भाई कुबत्ती जितना मुट्ठा आ सके इसमें उतना लगवा के दिखाया, क्योंकि 14 के हेड के साथ मशीन है। जितनी भैया इसमें क्षमता थी उतना मुट्ठा लगवा दिया मैंने गेहूँ का। तो भाई मशीन ने भी ना तो कोई खड़काना आवाज़ करी, और ट्रैक्टर का तो तोड़ है ही ना, वो तो आप सब लोग जानो ही हो। तो भाई वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करके जरूर बता दियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो, और भाई हो सके तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दियो। ऐसी शानदार शानदार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान मेरे सभी किसान भाइयों को राम राम।